दोस्तों मैं गुरु गोविंद सिंह को मान क्यों मानता हूँ, इसको समझने के पीछे मेरे कुछ ठोस कारण हैं, उन्हें आप पहले समझिए। दोस्तों मैं गुरु गोविंद सिंह को सिखों का नहीं बल्कि भारत का सबसे महान व्यक्ति क्यों मानता हूँ, इसको समझने के लिए कुछ मेरे ठोस कारण हैं। पहले आप उन्हें समझिए, उसके बाद आप समझोगे गुरु गोविंद सिंह इतना महान व्यक्ति क्यों थे। शाहजहां हिंदुस्तान में था, उसका शासनकाल रहा था 1628 लेकर के 1658 तक। उसने हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाई थी, जाम मस्जिद, लाल किला, ढेर सारी इमारतें उसने बनाई थी। उसके चार बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। एक्चुअली शाहजहां सबसे जो प्यार करता था, उसका जो बड़ा बेटा था वो करता था दारा शिकोह को, क्योंकि दारा शिकोह को हिंदुओं मुसलमानों के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, कुरान, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पूरी जानकारी थी। उसे पता थी कि मैं हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेकर चलूंगा तो हमारा शासनकाल लंबा चलेगा। अचानक की घटना होती है कि शाहजहां बीमार हो जाता है। 1658 में बीमारी खबर मिलती है कि शाहजहां बीमार हो गया, पर चार भाई को पता पड़ती है। औरंगजेब बहुत ही चालाक और कट्टर वो था इंसान, मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल के माध्यम से मैं, तो उसने जो है अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। ऐसा व्यक्ति कहीं मिल गए दुनिया के अंदर। जो चार भाई थे उसने पहले मुराद को अपने साथ मिला लिया, अपने छोटे भाई को, कहा तू मेरे साथ रहे, हम राज जीतेंगे, आधा में तुझे दूंगा। उसने शाह शुजा को मिला लिया अपने साथ और शाह शुजा से कहा कि तेरा राज सुरक्षित है। और औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर के दारा शिकोह पर हमला कर दिया, उसको हत्या कर दी। दोस्तों मैं गुरु गोविंद सिंह को महान क्यों मानता हूँ, अब आप समझिए। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, मैं टॉपिक जो था आज का। औरंगजेब जो राजा बना था हिंदुस्तान का, वो बना था 1658 से लेकर के 1707 तक। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी, उसके बाद वो राजा बना। राजा बनते ही उसने संगीत पर रोक लगा दी, जितने भी संगीतकार थे उसने दरबार से बाहर निकाल दिया। उसने जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करने का फरमान जारी कर दिया कि जितने हिंदू मंदिर हैं उनको नष्ट कर दो। उसी के तहत हमारे मथुरा के अंदर, बनारस के अंदर हमारे मंदिर तोड़ा गया, उसने धर्मांतरण करवाया, उसने जबरन हिंदुओं को और जो अन्य हमारे थे धर्म के उनको जबरन तलवार बल पर मुसलमान में कन्वर्ट करवाया। इसका गुरु गोविंद सिंह ने विरोध किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहब बिहार में हुआ था। वो उनके सिखों के दसवें गुरु थे। और अजीब बात यह है, और आप सहयोग कहिए इस बात को, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी की भी इन मुगलों ने चांद चौक पर गला काटकर शहीद किया था इन्होंने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने वतन की रखवाली के लिए बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके चार बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, इनके नाम मैं आपको बताता हूं आपके, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। आखिर गुरु गोविंद सिंह ने की जो महानता है वो क्यों है, उनका एक मैं आपको सेंटेंस सुनाता हूं, उस पर ध्यान दीजिए आप। उन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज बनाऊं, गिदड़ों को भी शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहूं। तो उन्होंने अपनी बात को यथार्थ किया। बात आती है एक लड़ाई की, एक लड़ाई हुई थी जिसमें मुगलों की सेना थी 10,00,000 यानी औरंगजेब थी, और सिखों की गुरु गोविंद सिंह के मात्र 40 सिख या हिंदू हमारे भाई, और उनका जो नेतृत्व किया था गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके बावजूद भी उन छोटी से सेना ने हमारे ने उन्हें छक्के छुड़ा दिए और मुगलों को हराया। औरंगजेब ने डर करके गुरु गोविंद सिंह को अपने पास बुलाया समझौते के लिए कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते। और उन्हें बुला लिया और कहा अपने बेटों को साथ साथ लाइए। गुरु गोविंद सिंह गए, उनके साथ दो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र थी मात्र 6-9 साल। और तब प्रस्ताव रखा औरंगजेब ने, आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए तब मैं आपको जो है छोड़ूंगा, वरना नहीं। उन्होंने मना कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के सामने ही उनके दोनों बेटों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, दीवार में चिंगाने का आदेश दे दिया, खड़ा कर दिया।
गुरु गोविंद सिंह जी तरफ खड़े रहे, देखते रहे वो, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर पर कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। दीवार पे चिनवाया, ऊपर दीवार चिंती के लगातार ऊपर बंद कर दिया और उनको दीवार में चिनवा करके उनकी शहादत कर दी। इसके बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह की हिम्मत नहीं हारी और अंतिम दम तक मुगलों से वो लोहा लेते रहे। बोलो, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से मुगल साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन खत्म हो गया था। इसलिए मैं इनको गुरु गोविंद सिंह को महान मानता हूं। और गुरु गोविंद सिंह जब मौत हुई थी, उन्होंने एक गुरु परंपरा को हटा करके उन्होंने बंदा बहादुर सिंह को पहला राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो आपको विचार बताए मैंने आपको, हो सकता है इसमें आप अच्छे भी लगे, कुछ वैसे भी हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी गुरु गोविंद सिंह की महानता के बारे में अपनी इस वीडियो को मेरे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।